हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम कर रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर, जिसमें से आज का हमारा सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉइल एज अ रिसोर्सेज। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो सॉइल है ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेचुरल रिन्यूएबल मतलब कि ये खुद से बनता है, ह्यूमन काइंड या कोई भी मिट्टी को नहीं बनाता। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये एक मीडियम है प्लांट के ग्रोथ होने का और अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को धरती पे बनाए रखने का। अगर एक तरह से कहा जाए कि सॉइल ना होता तो पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते तो हम भी जीवित नहीं होते, क्योंकि हमारा 90% जो डिपेंडेंसी है वो प्लांट के ऊपर होता है और प्लांट डिपेंड करता है आपका सॉइल के ऊपर। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो सॉइल होता है वो एक लिविंग सिस्टम है, मतलब ये पूरा लिविंग बींग को चलाता है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा टाइम, कई मिलियंस टाइम लगते हैं सॉइल का सिर्फ 1 सेंटीमीटर डेप्थ बनने में। मतलब कि अगर मिट्टी बनती है परत दर परत, तो एक परत जो लगभग कुछ सेंटीमीटर का होता है इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है। रिलीफ पैरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को बनने में क्या क्या लगते हैं? तो रिलीफ, जो एरिया है, मतलब पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, तटीय इलाका है, समुद्र का किनारा है, उसका पैरेंट रॉक क्या है, कौन सा पत्थर है और बेड रॉक कौन सा है, फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन किस तरह के पेड़ पौधे हैं एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और वहाँ पे जानवर किस तरह के रहते हैं, पंछी किस तरह के हैं, और साथ ही साथ टाइम, ये सारे फैक्टर मिलकर के सॉइल को बनाता है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एट्सेट्रा। इसके अलावा अलग अलग तरह के नेचुरल फोर्सेस जैसे कि टेम्परेचर में चेंजेस जो होते हैं या फिर रनिंग वाटर का एक्शंस होना, मतलब कि कोई पहाड़ से कितनी देर से पानी बह रहा है या कहाँ से पानी बह रहा है, विंड हवा का चलना, ग्लेशियर का टूटना, और इसके अलावा डिकम्पोजर्स का एक्टिविटी, मतलब जो जानवर मर जाते हैं वो किस तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं, इस तरह से वो मिट्टी और ज़्यादा अच्छा बनता है। और ये तरीके हैं और ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती है सॉइल को बनने में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विल टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अभी जो केमिकल चेंजेस होते हैं या बाकी चीज़ें जो होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है सॉइल फॉर्मेशन में। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो सॉइल किन किन चीज़ों से बना होता है, जिसमें ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। जिसमें ऑर्गेनिक में ह्यूमस होता है जो डिकम्पोज होकर के बनती है या फिर पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनते हैं, और इनऑर्गेनिक जैसे उनमें कुछ मिनरल्स या मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। तो सॉइल के फॉर्मेशन का तरीका, उनका कलर, उनकी थिकनेस मोटाई कितनी है, टेक्सचर कैसा है, रफ है या प्लेन है, एज कितने सालों का है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इनके बेसिस पे इंडिया के सॉइल को क्लासीफाई किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much।